प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज इटोरी बुजुर्ग की शिक्षिका शीला वर्मा। मैं आज भी आप लोगों के सामने जगन्नाथ दास रत्नाकर एवं उद्धव प्रसंग के उद्धव प्रसंग से लेकर इस वीडियो को प्रस्तुत हूँ। दूसरा चैप्टर है उद्धव प्रसंग। उद्धव प्रसंग में आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, रत्नाकर जी द्वारा उद्धव शतक अवतरित है। इसमें देखिए श्री कृष्ण ने अपने विरह व्यथा को लेकर गोपियों के पास अपने सखा उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवाया है, लेकिन गोपियां क्या अपने तर्कपूर्ण उत्तर से उस उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, अर्थात अपने अकाट्य तर्कों से अपने माध्यम से उनको प्रेम रंग में रंग देती हैं। आगे देखिए हम आपको बड़ा बताते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, कहे रत नागर गुवालिन की झौर झौरी, दौर दौर नंद गौरी आवन तब लगी, उझक उझक पद कंजन पे पंजन पे पेख पेख पाति छाति छोहनी छब लगी, हमको लिखो कहा हमको लिखो कहा कहन सब लगी। देखिए श्री कृष्ण जी द्वारा भेजे गए दूत उद्धव जी जब गोपियों के पास आते हैं तो अपनी मन की व्यथाओं का कितने अकाट्य तर्कों से इसमें वर्णन किया गया है। कहा भेजे मन भावन की, कवि रत्नाकर जी का कहना है कि श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत के उद्धव की सूचना जब गोपियों को मिली तो वह क्या अपनी सारी सुध को खो करके समूह में दौड़ करके अपने उस प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत के पास समूह में उस नंद जी के दरवाजे पर आने लगे। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए कि उस श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत को उद्धव के आने की सूचना जब उस गोपियों को मिली तो वह समूह में दौड़कर अपने प्रियतम जी द्वारा अर्थात उस श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत से मिलने के लिए उस नंद जी के दरवाजे पर समूह में आने लगे, झोर झोर इस समूह में। का उझक उझक पद कंजन पे पंजन पर पेख पेख पाति छाती छोहनी छब लगी, हमको लिखो कहा हमको लिखो कहा कहन सब लगी। देखिए गोपियां क्या कहती हैं, उझक उझक अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक कर उस श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत को उस पत्र को देखने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को अर्थात उस दूत के माध्यम से देखने लगे और सभी गोपियां समूह में खड़ी हो गई हैं और सभी लोग उस उद्धव से पूछ रहे हैं, अर्थात उस कृष्ण के जो सखा उद्धव हैं उनसे पूछ रही हैं कि हमारे बारे में श्री कृष्ण जी ने इस पत्र में क्या लिखा है, हमारे बारे में श्री कृष्ण जी इस पत्र में क्या लिखा है।
ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ हम आप लोग को बताते हैं कि चाहत जो सो वर्ष संयोग श्याम सुंदर को जोग प्रयोग में हिये तो बिन स्योर है, कहाँ रत ना कर सुवंतर मुखी है ध्यान, मंजु हिये कल जय ज्योत में धस्योर है, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जाम जल चेतन विलास युग स्योर है। प्यारे बच्चों, कवि रत्नाकर जी का कहना है कि सुवंतर मुखी है ध्यान, चाहत जो सो बस संयोग श्याम सुंदर। उद्धव जी उस गोपियों को कहते हैं, यदि तुम उस श्री कृष्ण के साथ संयोग को अपने अधिकार में करना चाहती हो तो अपने हृदय के योग को उनके साधना में लीन रखो। उद्धव जी गोपियों को उससे कहते हैं कि हे गोपियां, यदि तुम उस श्री कृष्ण के साथ संयोग को अपने अधिकार में करना चाहती हो तो अपने इस हृदय के योग को योग साधना में आनंद के साथ लीन रखो। कहे रत्नाकर सुवंतर मुखी है ध्यान, रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण क्या है, अंतर्यामी। मन जो ही है कंज जग ज्योति में धस्योर है। कवि रत्नाकर जी का कहना है कि मनुष्य के अंदर हृदय रूपी कमल में, मनुष्य के अंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्मा की ज्योति जलती रहती है, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। गोपियां यह तुम्हें पाना चाहती हैं तो उन्हें अपने इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। यदि गोपियां उस श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं तो अपने आत्मा और परमात्मा में लीन कर दे, अपनी आत्मा जो उस परमात्मा में लीन कर दे। कहा जाने जड़ चेतन विलास विकसो रहे, कहा जिसमें जाने जड़ चेतन, मैंने जिसमें जड़ और चेतना के प्रति आनंद की अनुभूति होती रहती है। कहा मोह बस जो हत बिछो जा को छोई, मोह बस यदि मोह बस जिसके वियोग का अनुभव करके। रत्नाकर जी कहती हैं कि गोपियां मोह बस जिसके वियोग का अनुभव करके क्या गोपियां दुखी होती हैं, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहते, वह तो ब्रह्मा जी सभी के अंदर विराजमान है। प्यारे बच्चों देखिए रत्नाकर जी क्या कहते हैं कि मोह बस जिसके वियोग का अनुभव करके गोपियां दुखी हो जाती हैं, वह तो सभी के अंदर क्या है, विराजमान है। उद्धव उस गोपियों को बार बार यही बात समझा रहे हैं, लेकिन क्या गोपियां अपने उत्तर से उसको क्या कर देती हैं, निरुत्तर कर देती हैं। आगे देखिए का सुने सुने उद्धव की अगह कहानी का, को उठहरानी को उठानी थिरानी है, कह रत्नाकर रिसानी बर्रानी को बिलखानी बिकलानी बीत कानी है, को से सानी को भरी दृग पानी रही, को घूम घूम परी घूम मुरझानी है, को श्याम श्याम कर वहां की पीलानी कोमल करे थाम सहम सुखानी है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए क्या बता है कि थाने ठहरानी मने कांप जाती है, थाने मने अपने स्थान पर, थिरानी मने स्थिर हो जाती है, रिसानी मने क्रुद्ध हो जाती है, बर्रानी मने बड़बड़ाने लगती है, बिलखानी
अगर स्थिर हो जाती है, कोई कांप जाती है। यदि हम
प्यारे बच्चों, इस एकत्वता, इस अभेदता की इस भावना को मानना अच्छा नहीं लगता है। गोपियां क्या कहती हैं, जय है मन बिगड़ न बार दिता बारिद की, जैसे समुद्र में जल एक ही बूंद में मिले या न मिले, समुद्र में जल की बूंद मिले या न मिले, समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हे उद्धव जी, उदाहरण दिया जा रहा है कि यदि समुद्र में जल की बूंदे मिले या न मिले उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि बूंद समुद्र में ही मिल जाए तो उसका अस्तित्व क्या होता है, यदि मिल भी जाती है तो उसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।